राइट, अल्लाह मदद करे। वो भाई तीन वो भाई जो थे, चले एक गए, को लग गया था, एक को चोट आ गया था गाड़ी का। वो तो आप तीनों भाई एक ही साथ डेरे को इसलिए चल रहे थे। तीनों भाई एक ही डेरे में जा, अच्छा, तो एक भाई को जो है वो चोट लगी है, बाकी का माल का है, क्योंकि आप 400 बता रहे हैं ना। जो बाकी माल वो थोड़ा बचा है, बचा, थोड़ा पता बचा नहीं था, कितना गाड़ी में भरा है कितना नहीं है, थोड़ा सा बचा था वो, अभी हमने दूसरा भाई उनके साथ लगभग है। लगभग वो कितनी दूसरा डेरे लेकर हाँ आप जा रहे थे? 400 400 400 400 पूरी था। ये गुजर बकरवाल लोग हैं जो सीजन मूव करते हैं, यानी जब गर्मियां जम्मू में पड़ती हैं तब वादी कश्मीर जाते हैं, और जो वहां पर ठंड होती है तब यहाँ पर आते हैं। लेकिन हुआ क्या, देर रात को इनके साथ इनका जो माल था, इनका जो माल है उसे कोई टिप्पर वाला हिट करके चला गया। ये बता रहे हैं कि 400 भेड़ों के साथ ये चल रहे थे, और इस रास्ते से ये ऊपर की तरफ चल रहे थे। इनकी डेस्टिनेशन नगरोटा थी, लेकिन इनका जो लास्ट पॉइंट है वो कश्मीर है। और आप जानते हैं रमजान का महीना चल रहा है, दिन में तो ये चलेंगे नहीं, रात को ही ये चलेंगे क्योंकि रोजा रखा होता है। तो रात को चलने के साथ साथ कोई टिप्पर वाला इनके माल को हिट करके चला गया। 400 माल था। 400 माल, अच्छा, तो 400 में से कितने को नुकसान हुआ? 102 माल का पता चलता है नुकसान है, 102 माल। 102 का। कितने? बाकी बाकी भी जो गाड़ी वाले खड़े थे मेरे को कोई पता नहीं, बाकी भी कहाँ गए कहाँ नहीं। थोड़ा से बच्चे हैं जो वो भी जख्मी है, आज जो थोड़ा से बच्चे हैं। अच्छा, मुझे बताओ टोटल कितने, मतलब कितने बंदे चल रहे थे माल को लेकर? तीन तीन भाई हम जा रहे थे, तीन भाई। भाई जा रहे। मैंने गाड़ी वालों को बहुत रोका भी, बहुत मैंने किया वो, ऐसे मैंने बोला कौन सा आराम गाड़ी से की बात दूर है? से ये ऐसे टायर भी मारी, फिर हाथ भी खड़े किए, तो उसने अपनी बात नहीं मानी। जो एक्सीडेंट हुआ कितने बजे के आसपास हुआ, आपको पता ती, चला? तीन तीन बजे के बजे आसपास, के तीन आसपास। बजे हम 3 बजे हमने सोचा था कि हमारा रोजा है। हाँ रोजा आपने रखा होता है तो आप रात को ही चलते हैं? रात को चलते हैं। रात को तो कितना, अगर मैं आपसे पूछूं कितना नुकसान, अंकल आप यहाँ पे हैं, कितना नुकसान आपका हो गया है ये पैसे का? 50,000, 50 लाख का, लाख का 50 लाख का, मैडम कितना हो गया? 50 लाख का। मेरे छोटे छोटे जिंदगी बच्चों भर की जो कमाई थी, रोटी थी, समझो वो जिंदगी भर की जो इसकी कमाई तीन भाइयों की थी, वो समझो यहाँ पर अब टिपर वाले ने खत्म कर दी है। अब क्या बचा है इसके पास? टिपर वाला कहाँ है? टिपर वाला तो थाना में बंद है, वो भी हमने पकड़ के लिया है, ड्राइवर को भी। ड्राइवर और हाँ, वो जो उसके साथ वाले आए थे जो ड्राइवर के, वो इसको जो मारने लगे थे, तो वो वो मेरे को क्यों मारने मारने लगे लगे? थे, ये अकेला था, रात को टूट गया। वो बोलने लगा इसको छोड़ दो, इसको क्यों पकड़ते आप? मैंने बोला मेरा नुकसान हो गया, साथ में मेरा भाई भी मार दिया, तो आप मेरे को दाड़ा की मारा। फिर बड़ा मेरा हाथ हाथ ऐसे खोलने लगे थे, फिर मेरा हाथ भी छोड़ छुड़ा दिया, फिर मेरे को मारा भी। आपके साथ और कौन कौन था साथ में? हम कोई कोई बात नहीं था नहीं, भाई, कोई बात आपके नहीं, भाई था, तीन वो भाई भाई थे, जो चले एक को गए। लग गया था, एक को चोट आ गया था गाड़ी का। वो तो आप तीनों भाई एक ही साथ डेरे को इसलिए चल रहे थे? तीनों भाई एक ही डेरे में जा, अच्छा, तो एक भाई को जो है वो चोट लगी है, बाकी का माल का है, क्योंकि आप 400 बता रहे हैं ना। जो बाकी वो माल बच थोड़ा बचा है बचा, ना, थोड़ा पता वो नहीं जो कितना गाड़ी में भरा है कितना नहीं है, थोड़ा सा बचा था वो, अभी हमने दूसरा भाई उनके साथ लगभग है, लगभग वो वो कितनी दूसरा देरी लेकर आप जा रहे थे हाँ की तरफ? चार सौ आप चार चार सौ सौ चार जख्मी सौ पूरी था हुई है? उसमें, 102, अच्छा, एक सौ एक सौ दो का दो का पता, पता ही नहीं है, 102 का पता ही नहीं है। उनमें से आधी ये मरी हुई है, कोई जख्मी पड़ी है, बाकी का पता नहीं है 102 में से। अच्छा, ये बता दो कि पुलिस यहाँ पर पहुंची, उन्होंने आपकी शिकायत दर्ज की है? दर्ज की है। किया दर्ज तो आप बता दो, आपका तीन भाई चल रहे थे, एक जख्मी है, एक आप, एक भाई कहाँ है? एक भेड़ू दूसरा के साथ भाई है, जो जो पूरा जो माल बे, जो बचा हुआ भेड़ है थोड़ा सा बचा था ना, उसके साथ है तो वो। वो उनके साथ था, वो उसने इधर रुकाया वो भेड़, मैं भाई को लेकर हॉस्पिटल में चला गया था, पीछे से ये लोग पहुंचे। कई, आप जैसे कह रहे हैं कि कई लोगों ने भरा आपका माल, भरा गाड़ियों में, देखा नहीं आंखों से, देखा नहीं, मगर माल जहाँ था पता नहीं फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक बंदा, मैं एक बंदा बच गया था, एक बंदा जख्मी जो हो गया था उसको ये लेके हॉस्पिटल पहुंच गया था, बाकी एक एक बंदा बंदा था माल वो के साथ यहाँ बच गया था, वो उस माल को लेके यहाँ से वापस निकला है। उसमें से लड़के कितना भी गुम हो गया है, कितने चोर ले गए, थे। क्या उसमें अभी तक कोई पता नहीं है, अभी कितने उसको तो जाके गिनती करेंगे, सर, पता नहीं। आप ही मेरे सवाल का जवाब दो, यहाँ पर आपकी मदद के लिए कौन पहुंचा? आपके भी बड़े गुजर बकरवाल तबके हैं, कौन आया आपकी मदद के लिए? अभी तक हमारे साथ खाली एक बिलाल साहब आया है, जो बिलाल बिलाल साहब साहब सुबह आया, सवेरे हमें यहाँ पहुंचा, बाकी हमें सरकार की तरफ से तो कोई अभी तक मिला नहीं, कोई बिलाल हमारे साहब सामने आया नहीं था आया है। मेरे से अभी चल रहे। इतना भी हम बताते हैं, रविंदर जी हमेशा बोलता था कि गुजर बकरवाल के हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं, बड़े भाई, लेकिन हमने अभी तक यहाँ सरकारी कोई अफसर देखा नहीं है। आपने सुबह पहुंचाया, उन तीन तक बजे फोन से लेकर किया? अभी 1 बजने वाला हमने कोई सरकारी आदमी नहीं देखा है। हालांकि मैंने एक नहीं बिलाल साहब देखा। है जो सुबह सवेरे हमें यहाँ पहुंचा, हमारे साथ इधर उधर तक हॉस्पिटल तक भी गया है, थाने तक भी हमारे साथ गया है, बाकी हमने सरकार की तरफ से कोई नहीं देखा। जिन्होंने मारा वो अभी बोल रहे थे कि 20,000 रुपये आपको दे देंगे। मैंने मतलब बोला मुआवजा 20,000 हाँ दे देंगे? 20,000। मैंने बोला 20 को क्या आग लगाना है? 20 से होगा पूरा? मैंने बोला आप ही देखो, आप अगर बंदे को मार देता था पूरे, जैसे बंदे पर गाड़ी चढ़ा दिया आपने, जैसे इस पर ऐसे बंदे को मार दिया, फिर क्या उसको जब तेज उसको रफ्तार टिप्पर आ रहा था उस समय यहाँ पर लाइटें थी, हर
मैं बहुत लाइटें थी, मैंने बहुत हाथ खड़े किए, मैंने बोला आराम से चलो, उसने कोई बात नहीं मानी। फिर भी वो इधर से घड़ीस कर ले गया था उधर तक, मैंने उधर जाकर वो पकड़ा। नहीं लग रहा था कि कुछ होने वाला है? नहीं, मेरे को नहीं लग रहा था। हम दूर से, हमें अक्सर हम रोड पे चलते हैं, हम दूर से उसको इशारा, टारच सामने एक बंदा चलता है माल के, वो टारच दिखाता है उसको दूर से कम आधे किलोमीटर पर, ताकि वो अपनी स्पीड कम करे। उसे स्पीड बिल्कुल कम किया ही नहीं स्पीड ने, साइड छोड़ कर, साइड छोड़ कर दूसरी साइड में जहाँ माल था उस साइड में। आप बताओ, ये आपका भाई है, मतलब तीन भाई आपके चल रहे हैं? तीनों की लड़की है, कोई नहीं करुणा रहा, अल्लाह दे बाज इनको करुणा रहा, कोई नहीं, अल्लाह मदद करे। बिलाल सर ये कह रहे हैं कि आपने इनकी मदद की, लेकिन आप बताइए कि कार्रवाई कहाँ तक पहुंची, इन्हें कितना कंपनसेट किया जाएगा, क्योंकि ऊपर से माह रमजान का महीना चल रहा है, तो यही सब कुछ है इनके पास, तो कैसे क्या हो गया, ये आए हैं ना आपकी मदद के? कोई बात नहीं जी, इंशाल्लाह। अब देखिए मामला ऐसे है कि सुबह 3:30 बजे का वाकया है, जिस वक्त ये माल यहाँ से लेके कश्मीर की तरफ ये लोग जाते हैं, जब गर्मियाँ हो जाती हैं फिर ये टुवर्ड कश्मीर, तो उस वक्त ये एक रेत से भरी हुई गाड़ी जो इनको हिट करके चलेगी, कंडीशन जो है माल की वो आपके सामने है, जितनी भी भेड़े हैं वो 23 और यहाँ 26 भेड़े सामने जख्मी हैं, तो इसमें पुलिस ने भी उसी वक्त कार्रवाई की है, जो गाड़ी भी है वो भी कस्टडी में है, वो जो लड़का चला रहा था उसको वो भी कस्टडी में है, तो ये इन लोगों के लिए बड़े बहुत मतलब एक इस इनका एक एक भेड़ भी मर जाने इनके लिए बहुत कुछ होता है, तो यहाँ 23 जहाँ पे नुकसान हो गया, तो ये तो काफ़ी बड़ा नुकसान है इन लोगों के लिए, और वो भी आज इस रमज़ान के महीने में जबकि ये लोग घर में जा रहे थे, इनका पूरा परिवार होता है इस माल के लिए, इनके बच्चे औरतें सब लोग, ये इनका यही पेशा है और कोई काम नहीं इनका। अच्छा आप बताइए, ये आपकी मदद कर रहे हैं लेकिन आप सरकार से क्या चाहते हैं, क्योंकि आपका भाई भी जख्मी, इंसाफ चाहते हैं, तो लेकिन अभी आपके पास ये माल था, अब इसके आगे कैसे गुजारा करेंगे आप? कोई गुजारा करने है, कोई गुंजाइश नहीं है। इस वक्त हमारे साथ ये डिपार्टमेंट के लोग भी आए हैं मौका करने के लिए, इन्होंने यहाँ पे आके देखा कि कितना, रात को 3:30 बजे से नुकसान हुआ है, रात को 3:30 बजे से कितने आए हैं? दो बार आए। चलो अभी आपको ये बता दे कि ये है इनकी मदद करने, अभी हमने लाया है, ये आपने लाया, आपने लाए हैं, अभी नहीं आए थे, ये उसी टाइम आया, फिर से मैंने कोई नहीं देखा, 3 बजे से यहाँ तक सरकारी आदमी कोई नहीं हमें देखा है, हम कोई कठुए से आए हैं, कोई सांबा से आए, कोई विजयपुर से पहुँचे हैं, यहाँ गाड़ी सिविल गाड़ियों में मतलब किराया लगा के यहाँ पहुँचे, हमें सरकारी आदमी अभी तक कोई नहीं देखा है, पहले पुलिस वाले दो आए थे मोटरसाइकिल, वो भी वापस चले गए, उसके बाद ये एक साहब आया है, इसको भी बोल रहे हैं थाने से जाके ले आने का, हमने देखा कोई नहीं अभी तक यहाँ। तो साफ तौर पर आपको बता दें कि यहाँ पर 400 बेड़े लेकर जो है गुजर बकरवाल, आपने देखा कि सीजनली मूव करते हैं, तो वैसे ही वो सीजनली मूव कर रहे थे, रमजान का महीना चल रहा है, दिन में तो चल नहीं पाएंगे, इसलिए रात को चल रहे थे, तो 3:30 बजे के करीब जो है ये हादसा हुआ है नेशनल हाईवे पर, और यहाँ पर इनकी जो बेड़े हैं वो काफी ज्यादा इनका नुकसान हुआ, पूरी जिंदगी जो है इनकी इसी पर डिपेंड रहती है, पूरी जिंदगी यहाँ से कमाते हैं, यहीं से खाते हैं, तो ऐसे में इनका एक भाई जख्मी है और एक ये है, और इनका कहना है कि पूरी जिंदगी की जमा पूंजी यहाँ पर है, तो रमजान का महीना चल रहा है, इनकी मदद करें, और ज्यादा से ज्यादा हो सकता है इनकी मदद करें, ताकि रमजान के महीने में आप सब जानते हैं कि जितनी मदद हो सकती है आप सब लोग जो है वो मदद